नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, ठंडी बढ़ रही है इसलिए जैकेट भी मैंने आज पहन लिया है। तो ठंडी के सीज़न में क्या होता है खेती में, आपको मैं आज बताने की कोशिश करूंगा ठंडी में क्या होता है। तो यही आज की बात है और आज की कहानी होगी। तो आज की जो बात है ये है थ्रिप्स। थ्रिप्स माने क्या होता है, एक जो होता है कीड़ा होता है। ये कीड़ा का नाम है, साइंटिफिक इसका नाम है थाइसेनोप्टेरा। थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही कहते हैं। तो किसान भाई, ये थ्रिप्स होता क्या है, कैसे इसको बढ़ता है, उसके बाद कैसे इसका कंट्रोल किया जाए, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसा है, कल्चरल कैसा है, इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये वीडियो किसान भाइयों पूरा अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे कोई नए आए हैं किसान भाई, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके और लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो किसान भाइयों, तो देखिए, ये एक थ्रिप्स जो ऐसी प्रजाति है, ये 100-150 साल से चलती आ रही है। ये अमेरिका से, यूरोप से, इधर भाग से जो है चलते हुए आई। इसमें 4,500-5,000 से ज़्यादा इसमें प्रजातियाँ हैं। अपने यहाँ जो चलती है प्रजाति, लगभग ये वाइट, डार्क ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, इस तरीके से 2-3 वैरायटी मैंने देखी है अपने खुद के खेत में। तो किसान भाइयों, एक थ्रिप्स थाइसेनोप्टेरा, इसको कहते हैं थाइसेनोप्टेरा। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो थ्रिप्स एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा एक चप्पल के आकार में होता है। वो 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक छोटा सा रहता है। उसे झल्लर पक्षी भी उसको कहते हैं, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो झिल्ली की तरह होते हैं, हल्के होते हैं, तो उसको वो भी झल्लर पक्षी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग थोड़ा सा साइज़ रहती है, डिफरेंट साइज़ रहती है। इसका विकास कैसा होता है, इसकी साइकिल कैसी होती है, तो इसकी शुरुआत होती है अंडे से। पहले अंडे रहता है, उसके बाद लार्वा स्टेज में जाता है, उसका बाद प्री प्यूमा पूपा, उसके बाद पूपा, और उसके बाद ये अडल्ट हो जाता है। मतलब फिर ये आधा कीड़ा और आधा लार्वा, ऐसे इस टाइप में रहता है ये। तो थोड़ा सा मैं आपको फ़ोटो में दिखा दे रहा हूँ इसकी लाइफ साइकिल, आप देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो किसान भाइयों, इसके बाद इसको आपको समझना कैसे है, देखिए थ्रिप्स एक्चुअली होता क्या है, जब पौधे पर लगता है तो इसकी साइकिल जो है तेज़ी से चलती है। आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि पौधा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग स्टेज का, मैंने एक पौधा लाया है शिमला मिर्च का, कलर कैप्सिकम का, आपको मैं उसको पहले दिखाना चाहूँगा। तो ये है स्टार्टिंग स्टेज, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा है। तो इससे समझिए आप, ये थ्रिप्स है। जब थ्रिप्स होता है तो ऊपर की तरफ मुड़ता है, जब माइट्स होता है तो उल्टा मुड़ता है। तो ये चीज़ पर आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर उल्टा मुड़ा है और आप थ्रिप्स का स्प्रे कर रहे हैं तो थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होगा। अगर सीधा मुड़ा है और माइट्स का स्प्रे कर रहे हैं तो माइट्स नहीं रुकेगा। तो थोड़ा इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ये देख सकते हैं आप, फिर से एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, इस पे माइट्स भी है फिलहाल ऊपर की तरफ से है। और हमेशा क्या है, कभी कभी ये पौधा जो है मुड़ता भी नहीं है, यहाँ पर आपको जैसे डैमेज दिखेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर डैमेज दिखेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जो थ्रिप्स एक कीटक है, वो सकिंग पेस्ट है, मतलब जो पत्तियों के अंदर के सेल्स हैं उसको खाता है, उसको खा के उसके अंदर जो है डैमेज करता है और वहीं पे अपना मल गिरा देता है। तो आपको कहीं कभी कभी ऐसे स्पॉट भी इसी तरीके से समझ में आएंगे, देख सकते हैं यहाँ काले काले स्पॉट्स हैं, तो इस स्पॉट से समझ में आता है उन्होंने जो है मल गिराया रहता है, उससे समझ में आता है। और इसका जो है थ्रिप्स का कन्वर्जन जो है वायरस में होता है, उसका भी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा थ्रिप्स उसमें लगा थोड़ा, तो इसके बाद इसका वायरस में कन्वर्जन हो गया। इसके पहले भी एक स्टेज होती है, उसका भी मैंने डेमो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये इस तरीके से होती है, ये आप देख सकते हैं पूरा धीरे 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 मुड़ गया है। तो ये कीड़ा एक सकिंग पेस्ट में कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर ये चीज़ ध्यान दे कि जब भी आपको समझ में आए कि देखिए, हमेशा ये प्लॉट के साइड से आपको ज़्यादातर पहले दिखने लगेगा, क्योंकि जहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वहाँ से ये अंदर घुसने लगता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कहाँ से अंदर आ रहा है, थोड़ा सा आप अपने प्लॉट में टहलते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से ये ऐसी चीज़ हो रही है, कहाँ से ये मुड़ रहा है, सीधा मुड़ रहा है कि उल्टा मुड़ रहा है। तो उस पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके जब वाइट फ्लाई, जेसिड्स, एपिड्स इस टाइप की भी रहता है तब भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि केवल थ्रिप्सी में ऐसा मुड़ता है, कन्वर्ट होता है। सकिंग पेस्ट आप कोई भी ले लीजिए, उसमें ऐसी चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको इसको समझना कैसे आँख से, क्योंकि 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर का कीड़ा जो है आपको लार्वा होगा या कोई भी स्टेज होगी, आपको आँख से नहीं दिखेगी। तो थोड़ा सा इस टाइप का आपको कुछ रखना है, तो इसको हम लेंस कहेंगे, आप क्या कहेंगे इसको तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। छोटा बायनाकुलर भी कह सकते हैं इसको। तो इसको आप जब ऐसे लगे से पकड़ेंगे धरे से थोड़ा सा पास में जाके, तो ये छोटी चीज़ बड़ी में आपको दिखा देगा। तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ
एक्चुअली मतलब ये कीड़ा किस टाइप का है, क्या है। अगर आपको कीड़ा ही नहीं पता है और आप स्प्रे कर रहे हैं तो क्या खाक थोड़ी ना उस पर कंट्रोल होगा, कुछ नहीं कंट्रोल होगा। तो मेरा भी यही हाल था पहले, तो शिमला मिर्च, ये हमारा प्लॉट देख सकते हैं अभी, ग्रीन शिमला मिर्च इसमें लगा था, अभी हम लोगों ने इसमें उखाड़ के पूरा पीछे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसमें हल की जुताई हो चुकी है, देख रहे हैं। अभी हम जुलाई में फिर से इसमें शिमला मिर्च लगाएंगे, तब तक क्या है इसको पूरा इसका अल्टी पल्टी करेंगे दो बार, इसको एक बार इधर से किए एक बार उधर से करें, तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे करेंगे, तो इससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। हम ये मैं पारंपरिक तरीका जो है उसका यूज़ करता हूँ, इसमें ज़्यादा केमिकल का यूज़ मतलब फिर से नहीं करने की कोशिश करता हूँ। पारंपरिक तरीका यही होता था कि ऐसे खेत को जो है धूप में रख देते थे 4-5 महीना, तो उससे है ज़मीन जो उपजाऊ अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम लोगों ने थ्रिप्स की बात की, दिखेगा नहीं इससे देखिए, पूरा उसके बारे में बात की, झल्लर पक्षी उसको कहा जाता है, चप्पल के आकार के रहता है, छोटा छोटा रहता है, तो उसके लिए और भी तरीके हैं सादा सादा उसके बाद पहचानने के। या ऐसे आप प्लॉट में जो है स्टिकी पेपर लगा दीजिए, ऐसा येलो लगा दीजिए या ब्लू लगा दीजिए। हमारा एक वीडियो है ट्रैप का वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं डाल दे रहा हूँ। तो उसमें ये जब ट्रैप आप प्लॉट पर लगाएंगे और उसको ये आप देखेंगे, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आपका ये थ्रिप्स है कि वाइट फ्लाई है, माइट्स है, क्या है, हर चीज़ एक आपको इसमें समझ में आ जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर देखिए थ्रिप्स अगर फर्स्ट स्टेज में है, मतलब कि इस स्टेज में है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस स्टेज में चला गया वायरस स्टेज में, कोई दवा काम नहीं करेगी आपकी, क्योंकि इसके सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती, वहाँ से पौधा बढ़ नहीं पाता, तो वहाँ पर पौधा पूरा डैमेज हो जाता है, तो उसका कोई चांस नहीं है। उसको सीधा ऊपर से काट दीजिए, एक पन्नी लीजिए उसमें डालिए, प्लॉट के बाहर दूर जाके उसको फेंक दीजिए। अगर इस स्टेज में है तो आपको पहले मैं बताता हूँ कल्चरल प्रैक्टिस करके इसको कैसे कंट्रोल करना है। पहले क्या करना है आपको, जहाँ पे ऐसी चीज़ समझ में आ रही, कट कीजिए बोरी मतलब पन्नी लीजिए। अगर पन्नी नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, इसे झाड़ते हुए प्लॉट से ले जाएंगे, फिर कहीं पर लग जाएगा, डाल लीजिए प्लॉट के बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज में क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, जैसे स्पिनोसाइड है, ऑर्गेनिक दवा है। स्पिनोसाइड क्या होता है, आप स्प्रे करेंगे तो उससे भी कंट्रोल होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक भी कुछ दवा आती है, उससे भी कंट्रोल होता है। उसके बाद कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे इमिडाक्लोरोपीड है, ये है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में लैम्ब्डासाइलोथ्रीन है, ट्राइजोफॉस है, इस तरीके से पिप्रोनील है। आप ऐसे कॉम्बिनेशन, सिस्टेमिक का अलग, कॉन्टैक्ट का अलग, दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक पलट के देंगे तो कंट्रोल अच्छी तरह हो जाएगा। अब सिस्टेमिक का स्प्रे क्यों करना है, सिस्टेमिक का स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि ये जो जब ये थ्रिप्स जो है प्यूपा के स्टेज में रहता है तो सेल्स के अंदर रहता है, तो वो ऊपर की तरफ नहीं रहता। जब सिस्टेमिक अंतर प्रवाही अंदर से जब केमिकल आपका काम करेगा पौधे के, तो वो तुरंत मर जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट तब स्प्रे करेंगे तो मरेगा नहीं ऊपर से जब स्प्रे करेंगे, तो इसीलिए उस स्टेज पर वो करना ज़रूरी है। तो इसकी लाइफ साइकिल पे ध्यान देना जरूरी है। आप अगर देखेंगे हाँ अभी अंडा के स्टेज में है, तो वहाँ पे आपको प्रोक्लेम जैसा स्प्रे आपको देना पड़ेगा, उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट या कंटेंट रहता है। क्या है, तक जब अंडा के स्थिति में रहता है तो आपको वही स्प्रे देना पड़ेगा, आप अलग देंगे तो उस पर कंट्रोल नहीं होगा। तो स्टेज अनुसार आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कीड़ा वैसे ही बढ़ता है, फिर अंडा रहता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है लार्वा, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पंख निकलता है, फिर वो कीटक हो जाता है। इस तरीके से वो बढ़ता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, देखिए हमें पूरे अपने भारत में सबसे ज़्यादा परेशानी यही है थ्रिप्स की, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ जहाँ भी जाता हूँ, यही लोग कहते हैं कि यार ये थ्रिप्स बड़ा दिक्कत कर रहा है। चाहे आपका प्याज की खेती हो, चाहे आपकी शिमला मिर्च की हो जो मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, चाहे अंगूर की हो, ये सब खेती में ज़्यादा थ्रिप्स अटैक होता है। आपका गार्डन भी देखिए, आपका चाहे गार्डन हो वहाँ पर भी, चाहे फूल लगे उसमें भी थ्रिप्स रहता है, फूल के ऊपर कलर के ऊपर थ्रिप्स जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ये चीज़ दिमाग में आप रखिए। या वेजिटेटिव ग्रोथ जब पौधे की रहती है उस पर ज़्यादा तेज़ी से अटैक होता है, क्योंकि जहाँ से पत्ते फूट रहे हैं वहाँ पे एकदम मुलायम मुलायम जगह रहती है, तो वहाँ पे उसको सकिंग करना आसान रहता है। तो कोशिश कीजिए पौधे को भी आप सिलिकॉन की, मॉलिब्डेनम की ज़्यादा कोशिश कीजिए देने की। जब वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधा रहता है तो आपको सही जगह पर सही टाइम पर सही स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका सब मतलब मेंटेन रहेगा, आपको कीड़ा सकिंग नहीं कर पाएगा, तो बिना भूखे कीड़ा जो है मर जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो जैसे कि ग्रीन हाउस हुआ, प्रोटेक्टेड कल्टी हाउस में इसका बहुत तेज़ी से प्रसार होता है। जैसे कि मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी आने लगती है, ठंडी से
गर्मी से बरसात आने लगती है, बरसात से ठंडी, जब ये मौसम कालांतराल जब चेंज होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा ये कीड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए सोचा क्यों ना आज आपको ठंडी बढ़ रही है तो इसी टाइम पे ये थ्रिप्स के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो किसान भाइयों, मैंने जितना अपने हो सके पूरी जानकारी आपको देने की है, हर एक चीज़ कीटक के बारे में बताया आपको, उसके बाद उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताया, कंट्रोल के बारे में बताया। इसके अलावा भी आपके पास कोई अगर सवाल हो कमेंट में आप ज़रूर कीजिए, मैं बताने की आपको Q&A जो वीडियो होता है उसमें आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और ये वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।